दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आपको पूरा नॉलेज मिल सके। ये देखिए, नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे हो और सेफ हो। सो दोस्तों, जैसे कि हम सब लोग जो है टेनिस बैट बहुत पसंद करते हैं, तो मैं सोचा कि अपने जितने भी दोस्त है या जितने भी सब्सक्राइबर है उनको एक बार बता दूं कि एटलीस्ट बैट बनता कैसा है, कितना हार्ड वर्क लगता है बैट बनने में, ये ज़रूर मैं शेयर करना चाहता हूँ। सो देखिए, ये जो है एक क्लिप बोला जाता है, बागड़ बोला जाता है इसे क्रिकेट बैट के लैंग्वेज में। ये जो पेड़ से कटा है इसको हम अभी क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे कि बैट बनने के लिए कैसे आगे जाएगा, ठीक है। सो ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये है केन हैंडल जो कि कटा हुआ है, बट एक केन हैंडल है और इसको जो है हैंडल फिट किया गया है यहाँ पे, ठीक है। चोक मशीन में जो है कट होता है, अब चोक मशीन भी आपको दिखा देते हैं। ओके, सो ये देखिए, ये है चोक मशीन, इसमें जो है बैट का हैंडल भी कट होता है और बैट का जो चोक है मतलब जहाँ पे जुड़ता है वो कट होता है, और बेसिक एक लेवल पे जो है बैट को इस तरीके से हैंडल मार के रेडी करते, ठीक है। इसके बाद जो है आप ये जो मशीन देख रहे हो इसको आरा मशीन बोलते हैं, या लोकल लैंग्वेज में कटर बोल सकते हैं, या फिर बैंड सॉ बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो मेन बेसिक प्रोफाइल होता है बैट का, बेसिक प्रोफाइल, लोअर प्रोफाइल और अपर प्रोफाइल हैंडल की यहाँ का, वो कट करने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब देखिए, लोअर मतलब बॉटम कितना मोटा चाहिए और अपर में कितना थिक होना चाहिए बैट की, जो हम लोग थिकनेस देखते हैं, देखिए दिख रहे हो आप, ये इसमें डिसाइड हो जाता है कितना मोटा करेंगे क्या नहीं, यहाँ पर ही ये डिसाइड हो जाता है बेसिक लेवल पर। फिर यहाँ से हो जाने के बाद जो है आगे आता है, ये देख रहे हो आप, जैसे कि ये जो बैट का पास का जो करीबी जगह है यहाँ पे जो शेप आता है ये मशीन में आता है। ये जो मशीन है इसको प्लेट बोला जाता है, इसमें जो है अपना मेन जो है प्लेट साइज जो डिसाइड होता है, आप लोग बोलते हो ना 4.5 प्लेट बैट चाहिए 4.4, वो यही मशीन पे डिसाइड होता है, पूरा का पूरा यही मशीन पे डिसाइड होता है कि क्या साइज़ में बैट चाहिए। जो मिडल में आप देख रहे हो इसको स्पाइन बोला जाता है, और इसके बाजू में जो दो नाला है इसको अंदर डालने के लिए या इसका शेप मेंटेन करने के लिए ये मशीन में डाला जाता है, ये नाला मशीन है। इसमें जो ब्लेड दिख रहे हो इसमें जब दबाएंगे तो क्या होता है कि पीछे का नाला कितना खट्टा होना चाहिए वो डिसाइड होता है, और एक्स्ट्रा जब हमें करना होता है एक्स्ट्रा कि नहीं और थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो इनका जो हार्ड वर्क है हाथों से रंदा लेके करना पड़ता है एकदम परफेक्ट प्रोफाइल बनाने के लिए, एकदम परफेक्ट। फिर इसमें बॉटम पे भी घसा जाता है, जैसा चाहिए वैसा हो जाएगा, ठीक है। बट यस, हार्ड वर्क होता ही है हर चीज़ में। इसके बाद जो थ्रेडिंग करते हैं हम लोग, ठीक है, हैंडल पे देखे होंगे धागा होता है, देखिए एक रबर दिख रहा है फुल केन हैंडल लगाया, तो ये पहले घसा जाता है, इससे घसते रफ होता है, इससे घसने पे थोड़ा स्मूथ होगा, फिर धागा लगेगा और ऐसा दिखेगा। सो ये रहा प्रेस मशीन। प्रेस मशीन का यही फ़ायदा होता है कि प्रेस से बैट में कर्व आता है, और प्रेस किया हुआ बैट सबसे मजबूत होता है, प्रेस किया हुआ पावर पंच बहुत ज़्यादा मिलता है। और इस मशीन में अभी देख रहे हैं बैट इस तरफ गया है, रिटर्न आएगा, और डिपेंड प्रेस कितना करना है हमारे पे, डबल प्रेस सिंगल प्रेस जैसा चाहिए हमारे पे, बैट को कितना कर्व चाहिए वो डाल के हम डिसाइड करके करते हैं, और इस तरीके से जो है बैट को कर्व दे के रेडी करते हैं। सो इसके बाद अभी नेक्स्ट जो है, अभी भी इसमें फिनिशिंग नहीं हुआ है, बैट जो है एकदम प्लेन स्मूथ होके जो है ना पॉलिश होना चाहिए, ठीक है। ये जो बॉडी आपने देखा रहेगा, बैट एकदम फिनिशिंग होना चाहिए, पॉलिश होना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पॉलिश मशीन में पॉलिश करेंगे। ये जो है एक साधारण भाषा में पॉलिश बोला जा सकता है, या सैंडिंग भी बोलते हैं। ये जो है एक पत्थर टाइप का जो है उसमें पेपर लिपटते, ठीक है, जो सैंड पेपर आता है और उससे इसको घिसा जाता है, तो इससे क्या होता है बैट में एकदम प्लेन फिनिशिंग और फाइनल टचअप आता है, ठीक है। इसके बाद जब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग लास्ट प्रोसीजर जो है कटिंग किया जाता है, बैट को हम लोग कटिंग करते हैं, अगर देखने के इसके बाद जो है बैट कटिंग होगा। सो ये अभी बैट रेडी है पॉलिशिंग करके, अखा बैट, अभी हम इसको कटिंग करेंगे, और देख सकते हो ऐसा अलग अलग जो हमारा डिज़ाइन में बैट आता है वो ये मशीन में कट होता है, काफ़ी सारे अलग अलग कटिंग होता है, तो बहुत सारा अलग टाइप है, इतना डिटेल में दिखा नहीं सकते, बट एक बेसिक मैं बता रहा हूँ। इसके बाद जो है कटिंग को देखिए इस तरीके से हम साफ़ करते, अभी भी नहीं हुआ ये, और अलग आगे जाके और कटर से भी साफ़ होगा, बहुत कुछ चीज़ों से ना इसको और साफ़ करना पड़ेगा अगर देखने गए तो।
उसके बाद जो है देखिए इस तरीके से टोगड़ बनता है और सारा का सारा जो है थ्रेडिंग होता है एकदम ब्रांडेड लेवल पे, और ग्रिप भी जो है प्लेयर्स लोग के लिए एकदम स्पेशली ग्रिप चढ़ाया जाता है और फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो जाता है। सो इस तरीके से जो है बैट को और भी सुखाते हैं और इसके बाद फाइनल जो है बैट तैयार होता है और आप लोग के पास जाता है। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आया हो और उम्मीद करता हूँ आपका दिन आज का शुभ जाए, बढ़िया जाए, और आप लोग अपना ख्याल रखिए, और एक नए वीडियो के बाद हम ज़रूर आएंगे, मिलेंगे एक नए वीडियो के बाद। तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय बाय।